नमस्कार, खास प्रोग्राम प्रादेशिक देख रहे हैं आप। प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो बात करते हैं खबरों की। महिला सशक्तिकरण और उन पर हो रहे अपराधों को कम करने के विषय पर भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। तो वहीं सेमिनार में मुख्य रूप से पूर्व आईपीएस अधिकारी लायक राम डबास मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध तब कम होंगे जब हम और हमारा समाज जागरूक होगा। उन्होंने कहा कि स्थिति बदल रही है, सरकार ने कानून भी सख्त किए गए हैं, लेकिन फिर भी समाज को आगे आना होगा। हमारा प्रोग्राम मुख्यतः महिला अपराध रोकथाम व नियंत्रण के बारे में है और महिला अपराध रोकथाम नियंत्रण में एक मुख्य भूमिका सशक्तिकरण की भी होती है। महिलाओं ने बहुत प्रगति की है, अपने दम पर भी, परिवार के दम पर भी और सरकार के दम पर भी, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी मंजिल बहुत दूर है और मैं देख सकता हूँ एक दिन आएगा जब हर महिला का मन मुस्कुराएगा और वो तभी हो पाएगा कि जब हम सब में समानता का भाव आएगा। सर, कितनी समानता यहाँ पर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज भी महिलाएं केवल कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उतनी फिर भी नहीं बच पा रही। आज भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं कि भ्रूण हत्या होती है, महिलाओं के ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है। अभी हाल की घटना, एक महिला के ऊपर तेजाब भी डाला गया था। हाँ, कल ही डाला गया अम्बाड़ा में, बहुत निंदनीय है। और मेरी मिसेज मुझे कह रही थी कि ऐसे लोगों को जितनी सजा दी जाए, वो जो कानून में लिखी हुई सजा वो भी कम है, क्योंकि उसने हमेशा के लिए उसको जो बदनुमा दाग दिया है उसको सारी जिंदगी उसको सुलगाता तड़पाता रहेगा। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। मौत है, आज सरकार समाज सब प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति कानून भी काफ़ी बदले हैं, लेकिन ज़रूरत है जागरूकता की। हम इतने जागरूक नहीं हैं, हम समाज के जो विभिन्न मेंबर्स हैं, जो रोल हम अदा कर सकते हैं वो हम पूरी तरह अदा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ऐसे अपराधी अपराध करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है हम लोगों ने, तो ये महिला के अगेंस्ट जो अपराध जो बढ़ रहे हैं उनके लिए किया है। और जो लायक राम डबास जी हैं, पूर्व जो आईपीएस रिटायर्ड हैं, उनका आज यहाँ पर खुद उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ पर आकर वो आज गर्ल्स और बॉयज़ सबको ये मैसेज दें कि जो औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उनकी रोकथाम की जा सके और हर इंसान जागरूक हो इसके लिए कि जो भी हर एक औरत को, हर एक लड़की को बराबर सम्मान मिले। और ऐसी जो निंदनीय हरकतें जो हो रही हैं समाज में, ऐसी हरकतों पर रोकथाम लग सके। देखिए, इसमें मेरी मान्यता ऐसी है कि जब तक आंतरिक भाव में परिवर्तन नहीं आएगा, वास्तविक जो आपने कहा ग्राउंड लेवल पर, उस स्थिति में वैसी की वैसी रहेगी। मैं तो दिल से एक बात चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम होते रहे, उससे थोड़ा एक अच्छा असर होगा, बढ़िया बात है, लेकिन वास्तव में कुछ और इससे आगे बढ़कर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो जिससे वास्तव में समाज की मानसिक धारा में परिवर्तन आए। और मानसिक धारा में यदि परिवर्तन आएगा, आंतरिक साओं में परिवर्तन आएगा, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों की सापेक्षता होगी। तो खबर हिसार से है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की स्टॉलों पर जानकारियां हासिल की गई। साथ ही हिसार एमडी फाउंडेशन ने वेस्ट डिकम्पोजर से पराली को खाद बनाने की किसानों को जानकारियां भी दी। इस दौरान बताया कि किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एमडी फाउंडेशन ने खाद बनाने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर तैयार की गई है। इससे मात्र 40 दिनों में किसान धान और गेहूं की पराली से खाद बना सकता है। ये एमडी बायोकोल कंपनी ने एक एनजीओ स्टार्ट किया है, एमडी फाउंडेशन। उसके अंदर हमने बेस्ट डिकम्पोजर, जो एक पराली गलाने का जीवाणु बेस दिया है, बेस्ट डिकम्पोजर, और वो एक
मतलब किसान के लिए पराली जलाने बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज उसी पे एचएयू के अंदर ये किसान मेला जो लगाया गया है वो इसी चीज़ पे लगाया गया, पराली किसान ना जलाएं, उसका प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है और वो हर एक चीज़ में नुकसान करता है। किसानों ने इस चीज़ का बड़ा वो उठाया और लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया किसानों ने इस बार कि ऐसा कोई अल्टरनेट हमें मिले जो कि पराली हमें ना जलानी पड़े, तो वो चीज़ एमडी फाउंडेशन एनजीओ एक स्टार्ट किया एमडी वायोकॉल ने, तो उसमें हम वेस्ट डिकम्पोजर दे रहे हैं किसानों को, तो वो जो वेस्ट डिकम्पोजर है किसान उसको यूज करके खेत में और अपने खेत की पराली को जलाने की बजाय उसको गला के खेत में खाद के रूप में यूज कर सकता है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 9 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी धौलपुर आ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखने को मिलेगा। राहुल गांधी जिले के मानिया कस्बे में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जहां से विशाल भीड़ के साथ रोड शो की शुरुआत होगी। साथ ही रोड शो धौलपुर शहर से होता हुआ बाड़ी पहुंचेगा और बाड़ी में सभा करने के बाद राहुल गांधी बसेड़ी के लिए रवाना होंगे। वहीं बाड़ी शहर के मेला ग्राउंड में विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। तो धौलपुर में से पुलिस की बड़ी कार्रवाई, धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के भीलगवां उर्फ मियांपुर गांव में 27 सितंबर को हुए हत्याकांड के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हत्या के मामले में उत्तम सिंह और लक्ष्मण सिंह को मुखबिर की सूचना पर सुआ के बाग से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने पर्व में एक आरोपी रामरतन सेक्ट्री को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही भीलगवां उर्फ मियांपुर गांव में हुई वारदात में एक पक्ष का और एक और दूसरे पक्ष के 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो, यस सर, आज मियांपुर में जो हमारे वारदात हुई थी, जो घटना हुई उसमें एक मुलजिम उत्तम, उसको आज गिरफ्तार किया है। इसके साथ एक लक्ष्मण है, उसको भी गिरफ्तार किया है और अब जो शेष रहे हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। अभी करीब 10-11 आरोपी हैं जो जिन्होंने इस मारपीट में भाग लिया था, मारपीट की थी, उसमें से बाकी कुछ अभी शेष हैं। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जहां थाना गलचही क्षेत्र में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस अड्डे के बाहर बनी रोडवेज पुलिस चौकी के ठीक सामने बदमाशों ने एक होटल संचालक के ऊपर कई राउंड देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। होटल संचालक का कहना है कि थाना कटघर क्षेत्र के रहने वाले बंटी मालिक उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिना पैसे दिए जाने लगे। जब होटल कर्मचारी ने उससे खाने के पैसे मांगे तो उस वक्त उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और वहां से बिना पैसे दिए चला गया और कुछ देर बाद उसके ही किसी साथी ने उनके रेस्टोरेंट पर चौका फेंक कर मारा और किसी को मालूम नहीं था कि चौका कहां से आया है। तभी बंटी मलिक अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट पर आया और देसी कट्टे से उनके स्टाफ के ऊपर जान से मारने की नियत से गोली चला दी। कुछ भी नहीं, बस तरी को लेकर के थोड़ा सा वो होता, रोस्टेड खा रहे थे, रोस्टेड के साथ तरी मांग रहे थे, तरी हमारे पास आती नहीं है, कहां सुनी होगी, थोड़ी सी कहा तो नहीं हुई थी बस उसमें। कौन थे, क्या करा, उन्होंने पूरी बात बताई, थोड़ी सी कहा सुनी हुई थी, उसके बाद में वो चले गए। जाने के बाद में फिर एक आदमी आ रहा है, अद्दा मार के जा रहा है होटल पे, अद्दा मार के जा रहा था, आ रहा था रोड पे मोटरसाइकिल लेके। उसके बाद में जो है फिर आके थोड़ी देर के बाद में उन्होंने 3 फायरिंग कर दी मेरे ऊपर। कैसे बचे आप? इन कटोरियों की वजह से बचाऊ मैं, और नीचे बैठ बैठ गया 2 बार। जब तीसरी बार जो गोली मारी है तो मैं बाहर को निकल के भागा हूँ, बाहर को भी भागा हूँ तो बेंच पे लात मार के मुझे गिराने की कोशिश करी उन्होंने, मैं गिरा नहीं, थोड़ा सा गिरा फिर उठ के भाग गया। पुलिस चौकी में कोई नहीं था सर, पूरी रोड पे, थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर में आ गई थी फिर पुलिस। आंटी मलिक है और उसके साथ में 4 लोग और थे। कहाँ रहते हैं ये? तो पता नहीं कहाँ रहते, इधर ही रहते हैं डबल फाटक के और कहीं। कल रात में पहलवान चिकन पे 3-4 लड़के खाना खाने के लिए आए थे, उनको कुछ तरीको लेके इनके आपस में विवाद हो गया, इसके बाद ये लोग चले गए। फिर ये 4 लड़के मोटरसाइकिल पे आए और इन्होंने ढाबा संचालक पे फायरिंग की। इस संबंध में इनके खिलाफ FIR पंजीकृत हो गई है और इनको गिरफ्तार किया गया। तो आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं हिंदू संगठनों ने खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार को राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर
घेरने की रणनीति बना ली है। आने वाली 21 तारीख को बकायदा हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोग लखनऊ एक महारैली करने जा रहे हैं। वहीं मेरठ में एक हिंदू संगठन ने कमिश्नरी चौराहे से बाइक रैली निकाली। यह रैली कैंट स्थित औंगड़नाथ मंदिर में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर नारेबाजी की और साथ ही आगामी 21 तारीख को भारी संख्या में लखनऊ जाने का आह्वान भी किया, जिसमें अकेले मेरठ से ही 2000 युवा लखनऊ कूच करने का मन बना चुके हैं। 21 तारीख को लखनऊ से अयोध्या कूच अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेतृत्व में भाई प्रवीण भाई तोगड़े जी के नेतृत्व में हम लोग अयोध्या कूच का आह्वान कर रहे हैं और ये सब हमारे कार्यकर्ता मेरठ से लगभग 2000 लोगों का ले जाने का लक्ष्य हमारा बना है। हम लोग सब ट्रेनों से, बसों से, अपने व्हीकलों से 20 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे और 21 तारीख को अयोध्या कूच की हमारी तैयारी है। और प्रशासन ने, शासन ने अगर हमें रोकने की कोशिश की तो हम वहीं सड़कों पर लखनऊ में ही वहीं अपना जाम दिखाएंगे, वहीं अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं हम पूरी तरीके से अपनी शक्ति लगा करके श्री रामलला के दर्शन के लिए, रामलला के मंदिर निर्माण के लिए हम लोग संकल्पबद्ध है और इसी के लिए हमारी पूरी तैयारी हो रही है और ये चल रही है। आज ये बाइक रैली अपने जो कार्यकर्ताओं ने निकाल ली है वो उसी के मद्देनजर ये एक संदेश है। तो बात करते हैं करनाल की। करनाल में डीएन डेंटल एसोसिएशन की ओर से इस सम्मेलन में हरियाणा और आसपास के कई राज्यों के 500 से अधिक दंत चिकित्सक भाग लेंगे और कार्यशालाओं के माध्यम से अपने मरीजों का इलाज करने के लिए नई नई तकनीकें सीखेंगे, जिससे मरीजों का पहले से अधिक अच्छी तरह से इलाज कर सकेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में हंगरी से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दंत चिकित्सक डॉक्टर मारिया विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। वहीं व्यापारिक प्रदर्शनी के संयोजक से दंत चिकित्सा से जुड़ी कई विभाग, निर्माण एवं खुदरा कंपनियां अपने अपने सामान और उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाएंगी, जिसमें दंत चिकित्सक इस प्रदर्शनी से नई नई तकनीकों के उपकरण खरीदे जा सकते हैं। आज इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से, करनाल ब्रांच की तरफ से मोती महल करनाल सेक्टर 13 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से जो हम एक बहुत बड़ा इवेंट हरियाणा के अंदर पहली बार कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया। ये इवेंट 5-6-7 तारीख को होटल नूर महल में कम से कम 600 से 700 डॉक्टरों के लिए किया जा रहा है। इस इवेंट के अंतर्गत हमारे कम से कम 13 स्पीकर इस इवेंट में आएंगे, जो सारी की सारी दांतों से रिलेटेड होने वाली बीमारियों के अंदर जितनी भी नई टेक्निक हैं जिससे ट्रीटमेंट किया जाता है, उन ट्रीटमेंट के तरीकों से अवगत कराएंगे। बंदूक की नोक पर बेगूसराय जिला ODF घोषित कर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सरकारी कर्मी और अधिकारी, बंदूकधारी, रक्षा गार्ड एक साथ गांव की भोली भाली जनता के गाल पर तमाचा रखे हुए हैं। ऐसा ही मामला बेगूसराय के तेघड़ा के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी लल्लन जी हैं, जो सरकार के खुले में शौच नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं इस बाबत जिला अधिकारी राहुल कुमार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई का सख्त निर्देश जारी कर दिया है। संज्ञान में आया है, जिसमें मॉर्निंग फॉलोअप के दौरान जो संबंधित पदाधिकारी हैं, जिनका नाम अभी आपने लिया, उनके द्वारा अनुचित तरीके का प्रयोग किया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। शौचालय जो निर्मित है उसके उपयोग के लिए मॉर्निंग इवनिंग फॉलोअप चलाया जा रहा है, जिसमें कम्युनिटी के सहयोग से लोगों को जागरूक और प्रेरित करके शौचालय का उपयोग करना सुनिश्चित करने की बात हम लोगों ने कही है। सभी जगह ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ये एक और घटना हुई है जिसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की। तो बेगूसराय जिला मुख्यालय स्थित कारगिल सभागार में शुरू हो रहे नवरात्रि को लेकर शांति समिति की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी राहुल कुमार ने की। इस अवसर पर नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, SDM संजीव चौधरी, जिला जनसंपर्क अधिकारी आशीष आनंद सहित तमाम वरीय अधिकारी और सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष और जिले के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। इस बैठक में भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्रशासन की विशेषता का अनुरोध शांति समिति के लोगों ने किया। बैठक आयोजित की गई, इसमें सभी सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, सुझाव पे अमल किया जाएगा और जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं उसके बारे में भी सभी सदस्यों को बताया गया। खास करके नगर निगम क्षेत्र में जो विष्णुपुर का एरिया है, जो रिफाइनरी के पास BMP का जो एरिया है, चट्टी रोड का है, काली स्थान के पास है, जो ट्रैफिक के हिसाब से काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है,
ऐसी जगहों के बारे में बताया गया है, वहाँ पे हम लोग अलग से मुस्तैदी रखें। खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद के मझौला थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीओ सिविल लाइन अपर्णता गुप्ता के मुताबिक राजा अली जनपद के बदमाशों की टॉप 15 की सूची में शामिल किया गया है। हिरासत में खड़े आरोपी राजा अली पर महिला आशा सैनी की बेटी सीमा सैनी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज था, जिसके बाद राजा अली को गिरफ्तार कर पुलिस ने अपहर्ता सीमा सैनी को बरामद कर लिया था। वहीं मार्च को जब मझौला पुलिस राजा अली को कोर्ट में पेश कर जेल ले जा रही थी, उस दौरान राजा अली पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। अपराधी राजा फरार होने के बाद फिर सीमा को लेकर भाग गया, जिसके बाद पुलिस को कई दिनों से उसकी तलाश थी। ये जो आज मुलजिम हमारा गिरफ्तार हुआ है राजा अली, ये पुलिस अभिरक्षा से भागा हुआ मुलजिम है। इसके ऊपर थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज है। टॉप 15 में चिन्हीकरण इसका हुआ था, 25,000 का इनामी है। आज थाना मझौला ने पुलिस ने इसको सक्सेसफुली अरेस्ट कर लिया है। राजा अली पहले थाना मझौला में ही 363 के मामले में इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत था। इसके अंतर्गत इसको गिरफ्तार भी किया गया था और ये फिर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। ये मार्च में हमारे यहाँ से गायब हो गया था, भाग गया था और अब आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ये अकेला ही काम करता था या इसके आदमी कोई गिरोह था? अभी ऐसा गैंग की कोई कार्रवाई हमारे सामने नहीं है। कितने रुपए का इसका इनाम? 25,000 का इनाम है। धौलपुर से फिर एक बड़ी खबर। अधिकारी बरत रही है लापरवाही। धौलपुर शहर के हलवाई खाना सहित अन्य कॉलोनी एवं मोहल्ले वासियों को जलदाय विभाग बदबूदार और कीड़े युक्त पानी परोसा जा रहा है, जिसके चलते लोगों में भय बना हुआ है कि इसके चलते पानी के उपयोग से बीमार पड़ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि इस पानी के उपयोग से पेट संबंधी बीमारियां हो रही हैं, जिसमें कीड़े युक्त एवं बदबूदार पानी का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग से ऐसे पानी की आपूर्ति की जाए, लेकिन यह मजबूरी में उस पानी का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। ऐसे में बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। तो मुरादाबाद और आसपास के जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध शक्तिवर्धक कैप्सूल और जेल की सच्चाई से औषधि विभाग के होश उस समय उड़ गए। बता दें कि कई तरह की नकली दवाइयां बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। सूचना पर थाना भोजपुर क्षेत्र में चल रही फैक्ट्री पर छापेमारी की गई तो वहां पर भगदड़ मच गई। साथ ही फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में ऐसी दवाइयां बनाई जा रही थी जो प्रतिबंधित है। इनमें अधिकतर नकली शक्तिवर्धक जेल थे, जिसमें विभाग की टीम के होश उड़ा दिए। टीम को मौके पर अवैध रूप से बनाई जा रही शक्तिवर्धक दवाइयों का जखीरा मिल गया और साथ ही फैक्ट्री मालिक को पुलिस के हवाले करते हुए मौके से लाखों रुपए नकली दवाइयां बरामद कर फैक्ट्री सील कर दी गई। प्रदेश की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।